फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। मैं आप लोगों के सामने लगभग 4 से 5 दिन से मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, जिसका कारण था मैं थोड़ा अनहेल्दी था, यानी मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। तो आइए, यानी इसके पहले लेक्चर में लेक्चर मेरा क्या था, 8 था। लेक्चर 8 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन दिया था, जो कि मेरा एक्सरसाइज क्या था, 10.3 था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 9 में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 से लेकर 18 तक का सॉल्यूशन दूंगा। तो आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहां पे कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन को मेरा वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा, यानी तीनों वेक्टर इस तरह से है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो होगा वह सी वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो हमको दिया है उस बात को एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में एज गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर जो मेरा दिया हुआ है क्या है, 2i कैप है, प्लस 2j कैप है, प्लस 3k कैप है। फिर यहाँ बी वेक्टर जो मेरा दिया हुआ है क्या है, -i कैप है, प्लस 2j कैप है, प्लस k कैप है। फिर सी वेक्टर जो दिया हुआ है मेरा क्या है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। अब यहाँ देखिए, ये तीन को जो दिया था मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो होगा वह सी वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आइए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो होगा वह क्या होगा, सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ देखिए, सिंस लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जब सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, तो हमने बताया था जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो आइए, यानी उस प्रॉपर्टी से मैं क्या करूंगा, तो इसीलिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का वैल्यू हम यहां से रखेंगे। अब यहां देखिए, यहां ए वेक्टर मेरा कितना है, ए वेक्टर मेरा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर उसके बाद प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस आई कैप, फिर उसके बाद दिया है 2j कैप, फिर उसके बाद क्या दिया है, k कैप। फिर यहां क्या कह रहा है, फिर c का वैल्यू रखिए, c का वैल्यू कितना है, 3i कैप, फिर उसके बाद j कैप, फिर उसके बाद क्या दिया है, प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, यानी इसमें हमने क्या किया, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको स्टेप को बढ़ाइए, या 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अब यहाँ माइनस लैम्डा आई कैप, फिर प्लस 2λj कैप, फिर प्लस लैम्डा के कैप, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ दो फैक्टर, अब इसमें से कॉमन निकालिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2i कैप, यहाँ क्या है, माइनस लैम्डा जे लैम्डा आई कैप,
तो 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप हम लिख सकते हैं, फिर 2 जे कैप अब प्लस 2 लेमडा जे कैप यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, फिर उसके बाद यहाँ 3 के कैप यहाँ क्या है लेमडा के कैप, तब प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप इंटू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू 0। क्या तो कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे यानी दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या होता है इसके इस यानी कोफिशियंट दोनों के कोफिशियंट को हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है 2 माइनस लेमडा आई का कोफिशियंट 2 माइनस लेमडा है, इसमें आई का कोफिशियंट क्या है 3 है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस इसमें क्या है 2 प्लस 2 लेमडा यानी जे का कोफिशियंट क्या है 2 प्लस 2 लेमडा और जे का कोफिशियंट क्या है 1 है, तो यहाँ मैंने 1 रख दिया, फिर प्लस 3 प्लस लेमडा के का कोफिशियंट क्या है 0 है तो मैंने 0 रखा और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए सिंस आर वन वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू होता है, इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया है, 3 टू जा क्या होता है 6 माइनस 3 लेमडा प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा ये पूरा का वैल्यू क्या कर देगा 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 3 लेमडा और 2 यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और माइनस 3 लेमडा और प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा 0, तो इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या था लेमडा का वैल्यू ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया लेमडा का वैल्यू ज्ञात किया, तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। अब आइए यानी क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सो डैट इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी यहाँ पे हमको क्या दिखाना है यानी ये जो क्या है यानी क्या होगा हमको वेक्टर्स यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो हमको वेक्टर्स मिलेगा, ये भी क्या इसको सोल्व करेंगे तो हमको वेक्टर्स मिलेगा, तो ये वेक्टर्स जो होगा उसको हमको क्या करना है इस वेक्टर पर क्या करना है परपेंडिकुलर दिखाना है, तो इसको परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमने बताया था दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होता है जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आइए इसको हम यानी प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर एंड फिर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर इतना दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट यानी हमें क्या करना है वी हैव टू शो दैट हमें क्या करना है यानी हमें दिखाना है वी हैव टू शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर जो होगा वह क्या होगा परपेंडिकुलर टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, यानी क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर कब होता है जब दोनों प्रोडक्ट का यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तब आइए इसका हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो
सबसे पहले क्या होगा, जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर को हम ए मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी फैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर को हमने बी मान लिया, तो ए फैक्टर हो जाएगा। फिर डॉट, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर को हमने ए माना है, बी फैक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर को बी माने हैं, तो यहाँ ए फैक्टर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर इज इक्वल टू ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर इज इक्वल टू बी, यानी इसका हमने यूज किया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व आगे बढ़ाइए, यानी इसको गुणा करेंगे, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी फैक्टर इंटू बी फैक्टर। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ ए बी ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, इससे इसमें गुणा कीजिए, तो प्लस ए बी ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुणा कीजिएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए फैक्टर डॉट ए फैक्टर। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए ई वाला कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर इज इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर इज इक्वल टू ए, इसको हम यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ क्या रखेंगे, ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दोनों जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ गया। तो कहने का मतलब है, दोनों का जब प्रोडक्ट निकाले हम तो क्या आया, हमको जीरो मिला। यहाँ लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर इंटू बी फैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर इंटू ए फैक्टर का जब प्रोडक्ट हमने निकाला, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर इंटू बी फैक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर इंटू ए फैक्टर, तो क्या आ गया हमको, इतना इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर इंटू बी फैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर इंटू ए फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर इंटू बी फैक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर इंटू ए फैक्टर, यही हमको दिखाना था। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ ए फैक्टर डॉट ए फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी ए फैक्टर और ए फैक्टर सेम फैक्टर का प्रोडक्ट में जीरो दिया हुआ है, एंड ए फैक्टर और बी फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो दिया हुआ है, तब कह रहा देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दी फैक्टर बी। यानी कहने का मतलब है, अगर यहाँ ए फैक्टर डॉट ए फैक्टर जीरो दिया हुआ है, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर भी जीरो दिया हुआ है, तो आप बी फैक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यानी बी फैक्टर मेरा कौन सा फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ फिक्स है, यानी ए फैक्टर जो होगा मेरा क्या होगा, जीरो फैक्टर होगा। लेकिन यानी क्योंकि ए फैक्टर और ए फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो दिया हुआ है, और यहाँ ए प्रोडक्ट मेरा जीरो होगा, तो यह क्या करेगा, बी को भी जीरो कर देगा। जब मान लेते हैं कोई जीरो फैक्टर से किसी फैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह क्या कर देता है, वह फैक्टर भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ बी फैक्टर के बारे में आपको बताना है, यानी बी फैक्टर जो होगा वह कौन सा फैक्टर होगा। तो यहाँ ए फैक्टर तो फिक्स है मेरा जीरो फैक्टर होगा, तो बी फैक्टर में जब जीरो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो करिए देगा। तो कहने का मतलब बी वेक्टर जो होगा वो मेरा कोई भी वेक्टर हो सकता है, यानी इस
यह जीरो भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर भी, यानी कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में एज गिवन दिया है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ए वेक्टर कॉस, अब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है, यहाँ इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू वन, पॉजिटिव का वैल्यू क्या होता है वन होता है, यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होगा वह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, उसको एक मान लीजिए। फिर यहाँ देखिए क्या है दिया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पे, यानी ए वेक्टर यहाँ कहने का मतलब है यहाँ तो जीरो हम नहीं लेंगे क्योंकि ई जो कहने का मतलब है यहाँ कॉस थीटा लिखकर हम जीरो लिखेंगे क्योंकि हमको एंगल मालूम नहीं है। अब यहाँ इसको हम दो मानेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, यानी वन एंड टू से बी फैक्टर की एनी फैक्टर, यानी कहने का मतलब हम वन और टू से हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वहाँ मेरा बी फैक्टर जो होगा वह कोई भी फैक्टर हो सकता है। यानी हमको बी वेक्टर के बारे में बताना था कि बी वेक्टर जो होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, तो बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। अब आइए क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिक वेक्टर्स सच डैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमको ये तीनों जो वेक्टर दिया है क्या है यूनिट वेक्टर है, और तीनों यूनिट वेक्टर इस तरह से है कि तीनों वेक्टर का सम जो है वो क्या है जीरो के बराबर दिया है। तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू बताना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में एज गिवन दिया है कि देखिए कहने का मतलब यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वन होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू वन, एंड दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इसको हम एक मान लेंगे। अब यहाँ देखिए अब हमको क्या करना है, इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे नाउ बी मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन वन बाई ए वेक्टर, यानी इक्वेशन वन में हम ए वेक्टर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू जीरो। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है मेरा, उसको हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ लिखेंगे इसीलिए
इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है, वन है तो यहाँ वन रखेंगे, इस वन को इधर भेजेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम ए मानेंगे, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लाइंग इन वन बाय बी वेक्टर, फिर इस वेक्टर यानी इक्वेशन वन में हम क्या करेंगे, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और जीरो। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ वन लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसीलिए हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू माइनस वन, इसको हम ई मानेंगे। बी मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन इक्वेशन वन बाई सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इंटू जीरो, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू जीरो। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अभी क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर जीरो। अब यहाँ क्या है, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का क्या होता है, वन होता है, इसीलिए हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वन, इसको हम इक्वेशन सी मानेंगे, माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, नाउ अब एडिंग इक्वेशन ए क्या करेंगे, इक्वेशन ए बी सी को हम जोड़ देंगे, यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर यहाँ क्या है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर क्या है यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर क्या यानी सब जो दो बार है, तो यहाँ लिखेंगे टू इन टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कहने का मतलब है हमको क्या निकालना था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर डॉट, यानी ऐसे लिखे जाए इसके बाद बराबर है, तो यहाँ क्या माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू इन टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। यानी कहने का मतलब हमें क्या करना था, इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू मेरा क्या आया माइनस थ्री बाई टू आया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आइए हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। इफ आइदर फैक्टर ए फैक्टर बराबर जीरो या बी फैक्टर बराबर जीरो
देन ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर जीरो बट कन्वर्सली नॉट बी ट्रू जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कह रहा है, या अगर मान लेते हैं ए जीरो के बराबर है या बी जीरो के बराबर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसका कन्वर्स अगर हम लिखेंगे तो क्या ट्रू होगा, तो इसका कन्वर्स जो होगा वह क्या ट्रू होगा, एक एग्जाम्पल लेके हमको क्या करना है, बताना है। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन में एज गिवन यानी जो दिया है उसको हम एक बार लिखेंगे, समझ में आ रहा है। इसमें दिया है इफ ए वेक्टर जो है वह क्या है, जीरो वेक्टर है एंड बी वेक्टर जो है क्या है, जीरो वेक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, कन्वर्स लिखेंगे, कन्वर्स इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो के बराबर होगा, कहने का मतलब है अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर या बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर इज नॉट ट्रू। यानी कहने का मतलब है अगर इसका हम कन्वर्स लिखेंगे तो क्या होगा, या ट्रू नहीं होगा, क्योंकि यहां हम जानते हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ क्या होता है, अगर यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब जीरो होता है तो ए वेक्टर जो होता है क्या होता है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होता है, ए वेक्टर जो होगा वह बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो यही हमको लिखना था, तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इफ दी वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, यानी कोई ट्रायंगल एबीसी है उसका वर्टिसेस मेरा ए है बी है सी है, और इस वर्टिसेस का वर्टिसेस दिया हुआ है, ए का वर्टिसेस मेरा इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, यानी रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि जैसे इकदार है ना वैसा ही भी क्या होगा, यानी लगदार होगा, यानी ए का क्या हो जाएगा इतना होगा, फिर बी का क्या होगा ई होगा, फिर सी का क्या होगा ई होगा। फिर पर देन फाइंड द एंगल एबीसी, अब हमको क्या करना है, एंगल एबीसी ज्ञात करना है। तो आइए इसके यानी कि जो मेरा एंगल एबीसी जो होगा एम्स में दिया हुआ है वह वेक्टर एबी और बीसी के बीच का एंगल होगा। सॉल्यूशन में क्या है, ट्रायंगल है ए है इसका वर्टिसेस दिया हुआ है 1 2 3, बी है इसका भी वर्टिसेस दिया हुआ है -1 0 0, सी है इसका भी वर्टिसेस दिया हुआ है 0 1 2। अब इस वर्टिसेस से हम वेक्टर ए बी लिखेंगे, तो इसीलिए वेक्टर ए बी जो होगा यानी यहाँ डायरेक्शन में कहाँ है, इधर है, तो हम जब ए बी लिखेंगे तो डायरेक्शन कहाँ है, ए की तरफ है, तो क्या होगा, 1 में से -1 को घटाएंगे तो 1 में से -1 जाएगा, तो 1 + 1 आई कैप हो जाएगा, फिर +2 में से 0 जाएगा जे कैप हो जाएगा, फिर क्या आएगा 3 में से 0 जाएगा ए कैप हो जाएगा, तब इसको बढ़ाइए 2i + 2j + 3k अगेन। फिर हम क्या लिखेंगे, बी सी वेक्टर लिखेंगे, तो बी सी वेक्टर कैसे लिखाएगा, डायरेक्शन कहाँ है, सी की तरफ है, 0 में से -1 जाएगा तो +1 आई कैप हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +1 में से 0 जाएगा तो 1 जे कैप हो जाएगा, फिर 2 में से 0 जाएगा तो 2 के कैप हो जाएगा। तो हमने यहाँ वेक्टर लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हमको क्या करना है, नाउ बी एफ एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर
अब हमको क्या करना है, ए बी और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, या इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखेंगे, ए बी वेक्टर मेरा कितना है, तो टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ बी सी वेक्टर को लिखेंगे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या के कैप। यहाँ देखिए वन आई लिखिए या आई लिखिए बात बराबर है, क्योंकि आई का कोफिशिएंट वन ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ क्या है, यानी मेरा ए बी कितना है, तो टू टू जब फोर, टू टू जब फोर, थ्री थ्री जे नाइन, फिर इसका लिखिए तो वन का स्क्वायर, फिर वन का स्क्वायर वन, फिर टू का स्क्वायर फोर। अब क्या कीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू गुना कीजिए टू इंटू वन टू प्लस टू इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री, अब फोर फोर कितना होता है एट, एट नाइन कितना होता है रूट अंडर सेवेंटीन, फिर कितना हो जाएगा रूट अंडर सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, और टू कितना हो जाएगा एट, और टू कितना हो जाएगा टेन बाई रूट अंडर वन हंड्रेड टू, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे तो इसीलिए थीटा जो होगा वह क्या हो जाएगा cos इनवर्स टेन बाई रूट अंडर वन हंड्रेड टू, तो हमको एंगल निकालना था तो हमने एंगल निकाला। अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बताऊंगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो आइए यानी कि हम इसको सोल्व करते हैं और दिखाते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट गिवन है, तो एज गिवन पॉइंट्स, यानी ये मेरा कोई पॉइंट्स है तो दिया हुआ है वन टू सेवन, ये बी मेरा कोई पॉइंट्स है तो दिया है टू सिक्स थ्री, एंड सी मेरा क्या है कोई पॉइंट्स है वो भी दिया हुआ है थ्री जीरो माइनस वन। तो यहाँ हम क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे ए बी वेक्टर लिखेंगे, यानी कि ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा जो है ये क्या है कोई लाइन है ए बी, तो इसका हम वेक्टर लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, टू में से वन जाएगा तो वन, यानी आई कैप, सिक्स में से टू जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस फोर जे कैप, फिर यहाँ थ्री में से सेवन जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस फोर के कैप। अब यहाँ एंड अब यहाँ बी सी वेक्टर लिखेंगे, बी सी वेक्टर कैसे लिखेंगे, थ्री में से टू जाएगा तो आई कैप प्लस जीरो में से सिक्स जाएगा क्या हो जाएगा माइनस सिक्स जे कैप, फिर माइनस वन में से थ्री जाएगा तो माइनस फोर के कैप हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तो इसीलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा, ए वन बराबर वन, बी वन बराबर क्या हो जाएगा फोर, एंड सी वन बराबर क्या हो जाएगा माइनस फोर। अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी
इसी वेक्टर, अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, यानी ए टू बराबर वन, बी टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, सी टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस फोर, नाउ अब क्या निकालेंगे ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू तो वन बाई वन क्या हो जाएगा वन बाई वन का ए वन हो जाएगा, फिर बी वन बाई बी टू, बी वन बाई बी टू कैसा होगा फोर बाई, यानी बी वन बाई बी टू तो फोर बाई माइनस सिक्स, यहाँ क्वेश्चन मिस हुआ, यहाँ टेन होगा, समझ जा रहा है वहाँ टेन होगा, और जहाँ जहाँ जीरो वहाँ टेन कर दीजिए टेन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसी जब लिखेंगे तो थ्री में से टू जाएगा तो आई कैप, फिर टेन में से सिक्स जाएगा तो प्लस फोर जे कैप, फिर माइनस वन में से गिर जाएगा तो माइनस फोर के कैप, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ डायरेक्शन ऑफ हम ए बी वेक्टर लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ बी सी वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा। अब यहाँ बी वन बाई बी टू तो फोर बाई फोर कट के वन हो जाएगा, एंड सी वन बाई सी टू लिखेंगे तो माइनस फोर बाई माइनस फोर कट के वन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, तो इसीलिए यानी ए बी जो होगा वह पार्लर होगा बी सी के, यानी कहने का मतलब इस टेंथ क्लास में ही पढ़ना है, जैसे ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू जब होता है तो दोनों लाइन क्या होता है पार्लर होता है, यानी हमने ए बी निकाला फिर वैसा ही यानी बी सी निकाला, तो यहाँ लिखेंगे ए बी मेरा बी सी के क्या है पार्लर है, और यहाँ ई बी है कि बी जो है मेरा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे लाइन मेरा क्या हो जाएगा ए हो गया, बी हो गया, ई क्या हो गया मेरा बी हो गया, सी हो गया। अब यहाँ देखिए, सिंस ई इज कॉमन पॉइंट्स पॉइंट्स सो इसीलिए ए बी यानी ए से बी जो होगा वो डॉट डॉट सी होगा, समझ में आ रहा है। दैट इज इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट दैट इज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी यही हमको दिखाना था, कहने का मतलब है ए बी बी सी के पैरेलल है लेकिन बी जो है दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसका मतलब है यानी सी को हम ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो यानी ए बी और बी से कहाँ सी तक, तो यानी कहने का मतलब ए बी सी तीनों एक ही लाइन है, तो इसीलिए ए बी सी आर क्या हो जाएगा मेरा कोलिनियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूँ। अब आइए, यानी कि हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि सो डैट दी फैक्टर्स इतना इतना एंड इतना फॉर्म दी वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी तीन गो हमको फैक्टर्स दिया हुआ है, तीनों फैक्टर्स मिलकर क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएगा, इसी को हमको दिखाना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर, यानी इसको हम बड़का ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ क्या है मेरा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फिर यहाँ b वेक्टर तो b लिखेंगे, कितना है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर यहाँ c वेक्टर तो कितना है c वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, नाउ अब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को हम घटाएंगे, तो बी वेक्टर मेरा कितना है बी वेक्टर यानी वन में से टू जाएगा तो माइनस वन आई, या इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस आई टाइप, फिर माइनस थ्री में से माइनस वन जाएगा
तो माइनस टू जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस फाइव में से माइनस वन प्लस वन जाएगा कितना हो जाएगा माइनस सिक्स के कैप हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या ए बी फैक्टर निकाल लिया, अब क्या करेंगे बी सी फैक्टर निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए क्या करते हैं, सी फैक्टर में से बी फैक्टर को घटाएंगे, सी फैक्टर कितना तो थ्री में से वन जाएगा तो यहाँ टू आई कैप हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस फोर में से माइनस थ्री जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस फोर में से माइनस फाइव जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा। अब यहाँ हमने बी सी फैक्टर निकाला, अब क्या करेंगे अब एंड ए सी फैक्टर निकालेंगे। तो ए सी फैक्टर निकालने के लिए थ्री में से टू जाएगा कितना होगा, यानी सी फैक्टर में से ए फैक्टर को घटा देंगे तो सी फैक्टर मेरा कितना है थ्री में से टू जाएगा तो आई कैप, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फोर में से माइनस वन जाएगा तो माइनस थ्री जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस फोर में से वन जाएगा तो माइनस फाइव के कैप हो जाएगा। अब यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यानी अब ए अब क्या निकालेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो मेरा ए बी कितना है टू आई है, टू आई में हम माइनस आई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ क्या माइनस टू जे है और यहाँ माइनस जे है, जब जोड़ेंगे तो माइनस थ्री जे कैप हो जाएगा, फिर यहाँ क्या है माइनस सिक्स के कैप है और वन कैप को जोड़ेंगे तो माइनस फाइव के कैप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिंस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, तो इसीलिए ए बी सी फॉर्म ए ट्रायंगल, यानी अब कहने का मतलब है इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट ए बी सी मिलकर क्या बना रहा है एक ट्रायंगल बना रहा है। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना है, तो दो को कोनो भुजा को लेकर यानी दो को कोनो साइड ए बी बी सी ए सी यानी तीनों में से दो को कोनो को लेकर हम उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे तो क्या दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो राइट एंगल हमको साबित हो जाएगा। तो नाउ अब क्या करेंगे बी सी वेक्टर इंटू क्या कर देंगे ए सी वेक्टर, यानी बी सी वेक्टर इंटू हम ए सी वेक्टर कर देंगे। तो मेरा बी सी कितना है क्या करेंगे बी सी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर निकालेंगे, तो बी सी मेरा कितना है बी सी कहाँ है मेरा बी सी मेरा है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ए सी कितना है ए सी मेरा है आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप। अब गुना कर दीजिए टू इंटू वन टू हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, वन इंटू माइनस फाइव तो माइनस क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, तो थ्री टू फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ख्याल करेंगे सिंस यहाँ क्या होगा बी सी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ गया, जब इसीलिए क्या होगा बी सी वेक्टर जो होगा वो लंब होगा ए सी वेक्टर पे, एंड उसके बाद क्या है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, इसीलिए क्या हो जाएगा पॉइंट्स ए बी एंड सी सी फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर बता रहा हूं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 बताऊंगा जो कि मेरा क्या होगा एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए
यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ ए फैक्टर इज ए नॉन जीरो फैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज ए नॉन लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इनटू ए फैक्टर इज यूनिट फैक्टर इफ, यानी कहने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे ए फैक्टर का मैग्नीट्यूड हमको ए दिया हुआ है और लैम्डा जो है क्या है एक नॉन जीरो स्केलर है, तो कह रहा है कि लैम्डा ए फैक्टर जो होगा वह मेरा यूनिट फैक्टर होगा। तो यूनिट फैक्टर कब होगा, जब लैम्डा का वैल्यू हम कितना रखेंगे कि लैम्डा इनटू ए फैक्टर मेरा क्या होगा यूनिट फैक्टर होगा, तो लैम्डा के वैल्यू 1 रखेंगे या -1 रखेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ यानी लैम्डा रखेंगे या 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा रखेंगे। तो कहने का मतलब इसमें मेरा ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं तब उसके बाद क्या होगा, यानी कि हम इसमें अपना ऑप्शन मिलाएंगे जो होगा वह सही होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दिया है लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो यहाँ सॉल्यूशन में एज गिवन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड उसके बाद क्या दिया है लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या है यूनिट वेक्टर है। तो जब यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं लैम्डा, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया ए दिया हुआ है, यहाँ ए लिख देंगे यहाँ 1 हो जाएगा, तब इसीलिए ए जो होगा 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन डी है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको आप लोग लिखिए इसके बाद, यानी कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर यानी 10 में नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, तो थैंक यू।